बबुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद में जिलाधिकारी माननीय शैलेंद्र कुमार सिंह के कर कमलों से ऊर्जावान, कर्मठ, नवोन्मेषी, बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर चारू मल्होत्रा की द मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर अ क्रिटिकल व्यू नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन से किया गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में जिलाधिकारी महोदय ने विक्रम बेताल की कहानी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया और कहा कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। स्त्रियों की सहभागिता के विषय में भी उन्होंने मध्यकाल का उदाहरण देकर यह बात रखी थी कि आज भी महिलाओं की भागीदारी कम है, महिलाओं का रोल समाज में कम नहीं होता है। जिलाधिकारी महोदय ने दहेज पर भी और महिलाओं की दशा पर भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही बेटी के महत्व को भी कहानी के माध्यम से बताया और बताया कि पहले समय में युद्ध के लिए बेटों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब बेटी और बेटों के कार्य में कोई भी अंतर नहीं है। हिंदू धर्म के विषय में उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म अपनी जाति भेद के सोच के कारण आगे नहीं बढ़ सका है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। और उन्होंने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि हमें प्रतिदिन आधा घंटा अध्ययन करना चाहिए। प्रातःमैन, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं डॉक्टर चारू मल्होत्रा जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि मार्जिनलाइज लिटरेचर अ क्रिटिकल व्यू, और एक ऐसा टॉपिक जिस पर कुछ करना आसान नहीं होता है, जिस पर डिस्कस करना आसान नहीं होता है, और हमेशा अक्सर एक डिबेट का बिंदु और कई बार डिबेट से डिस्प्यूट के टॉपिक में चेंज हो जाता है। एक ऐसे टॉपिक पर लिखना या लिखने का साहस करना अपने आप में इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका कितना डेडिकेशन है अपने फील्ड के प्रति। मुझे बचपन की एक कहानी याद आ रही है विक्रम बेताल की, तभी हम लोगों के ग्रैंड फादर लोग सुनाया करते थे, लेकिन अभी आज यहाँ बैठा बैठा मैं उस कहानी को एक नए परिप्रेक्ष्य में सोच रहा था। आज के तजुर्बे की, अपने लंबे तजुर्बे के आधार पर मैं उसको फिर से सोच रहा था, तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि वक्त जरूर बदला है लेकिन चीजें शायद वही की वही है। मैं वो कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा जो विक्रम बेताल की कहानी मेरे मामा ने मुझे बचपन में सुनाई थी। कि विक्रमादित्य निश्चित रूप से हिंदुस्तान के उन सम्राटों में रहे हैं जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जब वो दरबार में बैठते थे तो कोई भी तमाम लोग आते थे उनके दरबार के, और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे जाया करते थे। शासन प्रशासन चलाने के लिए कहीं ना कहीं मनी की आवश्यकता होती है, आप सभी लोग जानते हैं। गिफ्ट उनके पास आता था, और जैसी कि उनकी आदत थी कि चूँकि जो भी गिफ्ट इस तरह का आता था जो स्टेट के इंटरेस्ट में होता था, वो अपने मिनिस्टर को देन एंड देयर पकड़ा दिया करते थे। तमाम मूल्यवान गिफ्ट आया करते थे विक्रमादित्य जी के दरबार में, लेकिन एक फकीर डेली उनके पास आता था और एक जंगली फल उनको दे जाया करता था जिसकी कोई वैल्यू सामान्य तौर से उन लोगों की निगाह नहीं होती थी। लेकिन चूंकि विक्रमादित्य ने एक प्रिंसिपल बना रखा था कि जो भी इस तरह की चीज़ें आएंगी हम अपने मंत्री को देंगे और स्टेट के इंटरेस्ट में उसको एक्सपेंड किया जाएगा, तो अपने मिनिस्टर को फल भी दे दिया करते थे। अब मंत्री भी चूंकि मंत्री थे, निश्चित रूप से उनकी अपनी इंटेलिजेंसियाँ थी, तो उस फल को एक जो नीचे स्थान बना हुआ था वहाँ डाल दिया करते थे, उसको फेंकते नहीं थे। लगभग दो तीन सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब वो आया फकीर तो उन्होंने फल दिया, तो विक्रमादित्य के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने एक बंदर सामने था उसकी तरफ उस फल को उछाल दिया और बंदर ने उसके फल के चिखड़े चिखड़े कर दिए, लेकिन उसके बीच एक डायमंड निकला, चमकता हुआ डायमंड। और जैसे ही डायमंड विक्रमादित्य ने देखा, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया कि मैंने तुम्हारा